हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक कक्षा आठवीं के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गणित का। देखिए दोस्तों, स्विमिंग पूल यानी तरणताल, तरणताल संबंधित क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दो गुने से 2 मीटर अधिक है और उसका परिमाप 154 मीटर दे रखा है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक आयताकार तरणताल है, ठीक है, और दोस्तों उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले अपनों की हम अपना पड़ेगा चौड़ाई, माना कि चौड़ाई चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई कितनी है x, तो अब लंबाई निकालेंगे, है ना। अब लंबाई क्या कह रही है कि चौड़ाई, इन चौड़ाई कितनी है x, ठीक है, इस चौड़ाई के 2 गुने, यानी 2 का गुणा करो, ठीक है। अब इससे भी क्या कह रहा है, 2 अधिक है, इससे भी 2 अधिक है ये लंबाई, इस चौड़ाई के 2 गुने यानी 2 का गुणा कर दिया, और फिर कह रहा है 2 अधिक है तो 2 इसमें जोड़ दिए, तो ये क्या है, इसकी लंबाई है, ठीक है दोस्तों। अब अपनों को क्या ज्ञात करना, परिमाप, क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है दोस्तों 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, तो 2 और लंबाई कितनी उसकी, ये 2x प्लस 2, ये तो इसकी लंबाई है ना, प्लस चौड़ाई कितनी है x है, ठीक है, तो यहां 2 है और मल्टीप्लाई, और 2x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x प्लस 2, और 3x प्लस 2 में अगर गुणा करें तो 2 3 6x और 2 2 4, तो ये क्या हो गया इसका परिमाप। अब इस परिमाप के बराबर कितना, 154, ठीक है, तो 6x = 154 - 4, ये 4 प्लस की तरह है तो माइनस के हो गए, और x = 154 गए तो 150 बटा 6, और 6 से कट गए, 6 कम 6 6 बन जाए 30 नहीं 6 दूनी 12 और 6 बन जाए 30, यानी x = 25, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, सबसे पहले चौड़ाई x थी तो x = 25 मीटर, ठीक है, और लंबाई निकलना है तो लंबाई उसकी थी 2x + 2, ये थी उसकी, ठीक है, तो 2 × x का मान कितना अपने पास 25 + 2, और 25 × 2 = 50 और 2 = 52, तो लंबाई क्या होगी उसकी 52 मीटर्स, ये तो उसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के सवाल किसी भी आयताकार सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन पहले उसको मानने में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे इसको मानते हैं। कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है कि एक आयताकार तरणताल यानी आयत हो गया और इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई को 2 गुना करना है, तो चौड़ाई को मान लो पहले, तो चौड़ाई कितनी है एक्स मीटर, फिर क्या कहा लंबाई, अब लंबाई क्या है इसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी एक्स, इसके 2 गुने, ठीक है, 2 का गुणा कर दिया, 2 गुनी हो तो 2 का गुणा कर दो, फिर कह रहे 2 और अधिक है तो +2 कर दो, तो ये क्या होगी इसकी लंबाई होगी। अब परिमाप पूछा तो परिमाप निकाल लो, अगर वर्गमूल इसका क्षेत्रफल पूछे क्षेत्रफल निकाल लो, जैसे वो पूछे वैसा इसका हल कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।